में बुधवार रात को 2 साल की बच्ची के साथ अपहरण का मामला सामने आया है। 2 साल की मासूम बच्ची का देर रात अपहरण हो गया था। वह अपने माता पिता के साथ सो रही थी। रात 2 बजे स्वजनों की नींद खुली तो बच्ची गायब मिली। इससे सनसनी फैल गई। पुलिस ने देर रात मासूम बच्ची को दूर से बरामद किया। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। यह पूरा मामला शहर के चंदन नगर थाने का है। चंदन नगर थाना पुलिस का कहना है कि मासूम बच्ची को ट्रक चालक अपने ट्रक में ले गया था। हालांकि ट्रक चालक अभी फरार है, उसकी तलाश की जा रही है। पुलिस ने बताया कि पूरा मामला बुधवार रात का है। बच्ची माता पिता के साथ सो रही थी। रात को स्वजनों की आंख खुली तो बच्ची वहां नहीं थी। काफी देर तलाशने के बाद पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने देर रात ही मासूम को दूर रेत मंडी इलाके से बरामद किया। बाद में मासूम बच्ची की तबीयत बिगड़ गई, तो उसे लेकर एमवाय अस्पताल ले जाया गया और उसका उपचार जारी है। डॉक्टरों ने बच्ची के साथ दुष्कर्म की पुष्टि की है। चिकित्सक लगातार बच्ची का स्वास्थ्य परीक्षण कर रहे हैं। पुलिस के बड़े अधिकारी चंदन नगर थाने पर मौजूद है। DCP जोन 4 राजेश कुमार सिंह ने भी दुष्कर्म की पुष्टि कर दी है। तलाश के बाद पुलिस ने ट्रक चालक को भी गिरफ्तार कर लिया है। घटनाक्रम हुआ सर, क्या पूरा घटनाक्रम है सर? ये मन करो सर, क्या पूरा घटनाक्रम है? ये चंदन नगर थाना क्षेत्र में जो है वो एक 1.5-2 साल की बच्ची है। उसको रात में वो परिवार वालों ने देखा तो उसमें घर में नहीं थी और ऑलरेडी उसमें दरवाजा था नहीं घर में, प्लाईवुड वगैरह अटकाया हुआ था। तो आरोपी जो है वो उसने उस बच्ची को लेकर के और फिर यहाँ घटनास्थल पे आया था, उसने उसके साथ दुष्कर्म किया है। जिस पर जानकारी मिलने पे तुरंत जो है मुकदमा कायम करके बच्ची की तलाश की गई और सुबह बच्ची यहाँ मिली थी। कुछ राहगीरों ने उसको देखा था, फिर पुलिस तुरंत पहुँच गई और उसको बच्ची को यहाँ से बरामद किया। उसका इलाज चल रहा है और जो हमारे पास सूचनाएँ थी और जो CCTV फुटेज थे, जो मोबाइल लोकेशंस थी, उसके आधार पर आरोपी जो उसमें है प्रकरण में, उसको पुलिस ने हिरासत में ले रखा है। उससे पूछताछ हो रही है, उसके बाद से आगे कार्रवाई की जाएगी। नशे की हालत में था सर ये? नशे की हालत में था सर ये? मेडिकल अभी अभी आरोपी का मेडिकल होना शेष है। अभी 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 तो नशे में नहीं है, अभी नशे में। प्राथमिक तौर पर क्या रहा है बच्ची के साथ, क्या दुष्कर्म जैसी घटना? हाँ, ऐसा जो आरोपी से पूछताछ और जो घटनास्थल है और जो बच्ची से जो बातचीत हुई है, उसके लग रहा है कि मतलब उसके साथ दुष्कर्म हुआ है। बाकी मेडिकल रिपोर्ट से और ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। सर, एक ये भी घटनाक्रम सामने आ रहा है कि ये बच्ची का घर तकरीबन घटनास्थल से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर है और इस दौरान कई जगहों पर चौराहे आते हैं जहाँ पर पुलिसकर्मी तैनात होते हैं। रात में छोटी बच्ची को लेकर ट्रक चालक निकल रहा है, तो कई लापरवाही सामने आई? नहीं, अभी तक तो ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि जो है वो बच्ची जो है सो रही थी ट्रक में और वो जो आरोपी से पूछताछ में जो बातचीत सामने आई है, वो उसको ट्रक में ले करके और यहाँ तक आया है। बच्ची सो रही थी और चूंकि ये काफ़ी आप जानते हो चलता फिरता रास्ता है, हर ट्रक को रोक के चेक किया जाना संभव ही नहीं। सर, क्या लगता है ये बच्चे को परिजन है, दूर का रिश्तेदार है? नहीं, रिश्तेदार तो नहीं है, लेकिन ये जो आरोपी है ये इसके बच्ची का जो पिता है उससे परिचित है पिछले 3-4 महीनों से, और पिछले 3-4 महीनों से उनमें एक परिचय या दोस्ती जैसी चीज़ है जिससे इनका कई बार आना जाना रहा है। आरोपी जो है पिता के घर पे कई बार आया गया है। तो पुरानी रंजिश को लेकर मालूम? नहीं, कोई पुरानी रंजिश इसमें अभी तक जांच में साबित नहीं हुई। बच्चे की हालत क्या है सर? बच्ची का ट्रीटमेंट चल रहा है और MYH में उसको रेफर किया है। MYH में उसको जो है गायनेकोलॉजिस्ट और जो अदर डॉक्टर्स हैं वो उसका चेकअप वगैरह करके और जो भी माकूल इलाज है वो कर रहे हैं, और इस संबंध में जो है MYH के सुप्रिटेंडेंट साहब से जो है वो मेरी खुद की बातचीत भी हो चुकी है। सर, मौका और आपने घर का भी निरीक्षण किया, कुछ मिला हो था कुछ मौके पे? नहीं, मौके पर कुछ खुद के स्पॉट्स मिले हैं। बाकी आरोपी से भी पूछताछ की जाएगी, उस पर और भी जो चीज़ें होती हैं, उसका मेडिकल होगा आरोपी का, ढेर सारी उसके जो रिलेटेड स्लाइड्स वगैरह रहती हैं और भी जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस में जो एविडेंसेस कलेक्ट होते हैं वो सब किए जाएंगे। और इसमें जो है रात में करीब 2 बजे 10 बजे चौकीदार है, वो सोया था अपने परिवार के साथ में, उसके एक बेटा एक बेटी है, और करीब 2 बजे उसकी नींद खोली उसकी पत्नी की, तो पता चला कि उसकी बेटी नहीं है। उसने तत्काल आसपास देखा, झाड़ियों में भी देखा और थाने में आकर शिकायत की। शिकायत के बाद हमारे सभी स्टाफ सक्रिय हुए, रात में जो थे TI साहब भी हमारे नेमा जी आए और इन्होंने यहाँ आकर देखा, फिर हम लोग बताए, मैं भी आया यहाँ पर, और यहाँ पूरा हम लोगों ने चेक कराया। चेक करने के बाद आसपास देखा, CCTV फुटेज देखे गए। CCTV फुटेज से एक ट्रक का मूवमेंट आसपास के, चूँकि आसपास में तो नहीं था CCTV, कुछ दूर में एक ट्रक का मूवमेंट दिखा था जो आते जाते, तो हमने
फिर उसके जो लड़की के पिता उससे पूछा था तो उसने काफ़ी बताया एक अपने परिचित के बारे में, और उसके आधार पर हम लोगों ने काफ़ी CCTV फुटेज और उसके आधार पर किया तो वो एक व्यक्ति है जो उन्हीं का परिचित है जिसको हमने पकड़ लिया, हिरासत में लिया है। उसने अपनी पूरी बात बताई है कि छोटी बच्ची को ट्रक में ले जाके करीब 3 किलोमीटर दूर ले गया था और बाद में फिर वहाँ छोड़ दिया था, और हम अभी पूछताछ कर रहे हैं उसके बारे में। सर, ट्रक चालक ही है? हाँ, ये ट्रक चालक है। ये कल पीथमपुर में वहाँ पर कुल माल लेके गया था, वहाँ गाड़ी खड़ी किया था और नशे भत्ते में भी था। किसी गाड़ी से बताया कि ठोकर भी हो गई थी, जो कि ये बताया कि शराब वराब पिया था, कुछ ज़्यादा पिया था, ऐसा भी पता चला। बच्ची हर लग ठीक है, बाकी बच्ची वो जो कैट रोड के पास में वहीं छोड़ दिया था, तो वहाँ सवेरे अपने को सूचना मिली, तत्काल हमारी एफ आई आर भी पहुँची, यहाँ से TI साहब ने फोन किया तो वहाँ से जाके गया। हाँ, वो चौकीदार है जो अंडर कंस्ट्रक्शन एक बिल्डिंग है और उसी बिल्डिंग में रहता है, जिसमें उसको मजदूरी मिलती, वहाँ पर उसकी मिलता है पैसा, और दूसरी जगह भी अगर काम करते हैं तो मजदूरी मिलती है। सर, क्या बच्चे के साथ? अभी इसके लिए हमने मेडिकल में भेजा है, मेडिकल के लिए रिपोर्ट नहीं आई है। तो निश्चित रूप से अब ये है कि नशे पत्ते में ले गया तो निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि इतनी दूर ले गया है तो कहीं ना कहीं संदेह है कि ऐसा हुआ होगा, इसकी पुष्टि उसके बाद हो जाएगी। रोड के किनारे बैठी हुई थी बच्ची और किसी ने सूचना दी तो तत्काल हमारी एफ आई आर भी गई और हम लोग गए। नहीं, ऐसा कोई रंजिश का सवाल नहीं, रंजिश नहीं है, और इसके बीच में कभी आया था उसका जान पहचान तो है, रंजिश का विषय नहीं आ रहा है। अभी हो सकता है कि उसके बारे में अभी डिटेल हम पूछताछ कर रहे हैं कि क्यों ले गया, क्या है। नहीं, अकेला ही था सर। कुछ नाम वाम आया फोन पर? हाँ है, उसमें है, क्लियर हुआ है, मैं बताएंगे उसको। इस पर ये बताया गया कि धार जिले का है, बागटाड़ा इलाके का ये, और ये राजपुर के भी है, दोनों एक समाज के ही हैं, इसलिए इनके आपस में दोस्ती हो गई। राउंड अप हो गया? हाँ, राउंड अप हो गया।